हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम गाइस जो है अगेन रमी कल्चर पे 101 प्ले करने वाले हैं। एंड गाइस, ये गेम प्ले मेरे तरह काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इजी बनर बनने वाले हैं। सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना एंड लाइक सब्सक्राइब जो कर देना। ओके गाइस, सो गाइस बात करते हैं गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में काफ़ी ओपी कार्ड है, प्योर सिक्वेंस है। एंड गाइस हमारे पास 3 जॉकर हैं और वैलिड कार्ड भी है, तो आई थिंक हम जो है ओनली सेकेंड या फिर थर्ड राउंड में डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे हमारे पास देख सकते हो वैलिड एंड हाई कार्ड है, और हमें डिक्लेयर करने के लिए गाइस जो है 2 वैलिड कार्ड चाहिए। तो देखते हैं हम डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर नहीं। एंड गाइस 2 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, चलो बढ़िया। जो राइट में बंदे बैठे हैं, अब देखते हैं जो लेफ्ट पे रह रहे ये बंद प्ले करेंगे या फिर ड्रॉप। ओके, 1 प्लेयर ड्रॉप कर चुका है और दूसरा भी ड्रॉप कर देता है। सो हम क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, हमारे पास गाइस डायमंड 3 आता है, सो रख लेते हैं। एंड हर्ट 9 डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदा पिक भी कर सकता है क्योंकि हमारे पास इनवैलिड है, लेकिन देखो बंदे भी काफ़ी स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहे हैं। 10 निकाला बंदे ने, देखो फॉलो तो किया है। एंड गाइस देखो डायमंड किंग हमारे पास आया, उसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब गाइस कहाँ पे हम सोचे थे कि 2 या फिर 3 टर्न लगेंगी, और कहाँ पे देख रहे हो टर्न पे टर्न लगती जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि कोई और बंदा ही डिक्लेयर कर देगा हमसे पहले। मतलब हमको देख रही है 2 वैलिड कार्ड चाहिए और कितनी टर्न लग रही है हर्ट किंग। भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं। सो क्लोडे से अगेन गाइस कार्ड पिक करते हैं, हर्ट जे आ चुका, चलो बढ़िया। सेट रैंक कर लेते हैं एंड 7 और 9 को सीक्वेंस में रैंक कर लेते हैं। सो मैं 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमारे लिए 6 इनवैलिड था। ओके, अगर बंदा फॉलो करेगा तो स्पेस में 6 आ गया, तो हम जो डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं बंदा फॉलो करेगा या फिर नहीं। देख इन बंदे ने तो हर्ट 9 डिस्कार्ड किया है, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। मुझे तो लग रहा है किस बंदे की प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, तभी तो ऐसे कार्ड निकाल रहा है ना। ओके गाइस डैम 10 आ चुका है, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमने किंग निकाला था, बंदे ने पिक नहीं किया था और डैम 10 भी पिक नहीं करता। किंग भी ये बंदा निकाल रहा है, वैसे मैं सोच रहा हूँ बंदा जो है स्पिस 10 डिस्कार्ड कर दे। ओके डायमंड क्वीन, भाई साहब काफ़ी खतरनाक प्ले कर रहा है बंदा। तो कोई नहीं क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके स्पिस में एस आ चुका है, लेकिन डिक्लेयर तो अभी नहीं होने वाला। सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि 4 जॉकर है, सो एस पिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किंग भी निकल चुका है ना, सो इस वजह से मैं एस डिस्कार्ड कर देता हूँ और बंदे ने पिक नहीं किया। 2 और 3 भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन देखो फाइनली बंदे ने डिक्लेयर कर दिया जो राइट प्लेयर था। मतलब कहाँ के हम डिक्लेयर कर सकते थे और कहाँ पर देख रहे हो ओपोनेंट प्लेयर ने डिक्लेयर कर दिया। गजब भाई साहब, एक नंबर प्ले करते हैं बंदे। बट कोई नहीं, हमारे ओनली 3 पॉइंट लगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लगे। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास प्योर सिक्वेंस है एंड सिंगल जोकर है, लेकिन वैलिड कार्ड भी हैं थोड़े, लेकिन पॉइंट भी देखो 50 के अराउंड है हमारे पॉइंट। सो देखते हैं हम जो है पॉइंट डाउन कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर बंदों ने मिनिमम टर्म में डिक्लेयर किया तो हमारे तो गाइस लग जाएंगे हाई पॉइंट, और हमको जो है फर्स्ट राउंड में प्ले करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे 3 पॉइंट लगे हैं ना। तो अगर हाई पॉइंट लगेंगे तो हमको तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो देखते हैं प्ले तो हम करेंगे ही। बंदे ने क्वीन निकाला, अब देखते हैं जो सेकेंड लेफ्ट प्लेयर है ये प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। ओके गाइस ये बंदा ड्रॉप कर देता है और लेफ्ट प्लेयर प्ले कर रहा है, 10 निकाला, पिक कर लेते हैं। एंड गाइस जे निकाल देते हैं क्योंकि अगर हमारे पास स्पेस में जे, भाई साहब गलत सीन हो गया क्योंकि क्वीन निकल जो कर रहा था, तभी हमने गाइस निकाला था जे, बट इस बंदे को जे के ही नीड थे। मैं सोच रहा था अगर हमारे पास जे का कनी 10 आ गया तो हम जो है सेट नहीं कर लेंगे ना, बट देखते हैं बंदे ने तो ओपन डेसी कार्ड पिक कर लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बंदा 10 निकालेगा जे का कनी या फिर हर्ट में जे डिस्कार्ड कर सकता है, क्योंकि बंदे को ऐसा लगेगा कि ये बंदा प्योर सिक्वेंस रेंज कर चुका है और जे भी डिस्कार्ड कर सकता है। काफ़ी बंदे होते हैं लेकिन ये देखते हैं ऐसा करता है या फिर नहीं।
देखो बंदा कार्ड ही डिस्कार्ड कर रहा, एस निकाला। ओके डायमंड टू आ चुका है हमारे पास गाइस। सो मैं टेन भी डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमें जो है पॉइंट भी डाउन करने होंगे ना। ओके और ये बंदा किंग निकाल रहा है भाई साहब। वैसे अभी हमारे देश होते हो 20 से प्लस पॉइंट ही हैं, हमें कैसे भी करके जो है गाइस 20 से डाउन पॉइंट करने होंगे। 9 निकाल रहा बंदा ये। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा 8 डिस्कार्ड कर दे इसको फॉलो करके, लेकिन बंदे ने 6 निकाला। चलो पिक कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो हम अब स्पिट्स में 7 डिस्कार्ड कर देते हैं, अब हमें कोई दिक्कत अभी नहीं है। बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो, क्योंकि हमारे 20 से तो डाउन पॉइंट हो चुके हैं, ओनली आई थिंक 10 पॉइंट है हमारे। वैसे हमने डिक्लेयर किया तो हमारी थोड़ा सा एडवांटेज होगा क्योंकि हमारे ओनली 3 पॉइंट ही लगेंगे। वैसे अभी भी गाइस हमें जो 2 वैलिड कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद डिक्लेयर का हम सोच सकते हैं। डायमंड 8 निकाला इस बंदे ने 6 के अकॉर्डिंग। सो देखते हैं, लेकिन देखो बंदे ने 8 पिक कर लिया ले, यानी कि इस बंदे का ट्रैप था कहीं ना कहीं। 5 निकाला, 5 पिक नहीं करेंगे, क्लोड से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके एस गाइस आ चुका है हमारे पास, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। डायमंड 8, वैसे हमको 5 पिक कर लेना चाहिए था या फिर नहीं, और 3 हम डिस्कार्ड कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बंदा जो 3 पिक कर सकता था डीलर। और देखो फाइनली फ्रंट प्लेयर ने डिक्लेयर कर ही दिया। चलो कोई नहीं गाइस, हमारे 10 पॉइंट लग के ओवरऑल हो चुके हैं 13 पॉइंट। एंड देखते हैं ओपोनेंट प्लेयर कितने कितने पॉइंट से लॉस हुए हैं, 37 और 19 पॉइंट से लॉस हुआ है, यानी कि डीलर। चलो बढ़िया गाइस, इस बंदे के और हमारे इक्वल पॉइंट ही हैं, और फ्रंट प्लेयर के भी समथिंग इक्वल पॉइंट है सभी के, और 3 प्लेयर के 40-40 पॉइंट हो चुके हैं, और एक बंदे के 60 के अराउंड पॉइंट हैं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास सिंगल जॉकर है, इस बार तो ड्रॉ भी करेंगे। एंड देखते हैं गाइस बंदे जो है प्ले करते हैं कौन कौन। जो सेकेंड लेट पर है ये बंदा आई थिंक मुझे लग रहा है प्ले करेगा क्योंकि जिस हिसाब से टाइम लगा रहा है, लेकिन ये बंदा ड्रॉ कर देता है। और जो लेट प्लेयर है यार ये बंदा प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया। सो हम ड्रॉ भी करेंगे, और जो राइट प्लेयर है ये बंदा भी कुछ पता नहीं है प्ले करेगा या फिर नहीं। वैसे जिस हिसाब से ये बंदा टाइम लगा रहा है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। अब देखते हैं जो 90 पॉइंट वाला ये भी ड्रॉप कर देता है। अब डीलर देखते हैं, अगर ये भी ड्रॉप करेगा तो इजी बैट स्किप हो जाएगी, और ऐसे होता है गाइज ये बंदा ड्रॉप कर देता है। एंड गाइज कार्ड देखो इस बंदे के पास कितने ओपी थे, प्योर सिक्वेंस और 5 का सेट भी रेंज हो चुका था। शायद ये बंदा जो ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर भी कर सकता था, वो तो अच्छा हुआ कि किसी बंदे ने रिस्क लिया नहीं तो गलत सीन हो जाता उस बंदे के साथ। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास अगेन ओनली वैलिड कार्ड है, सो हम ड्रॉ भी करेंगे। एंड गाइस इसके साथ कर देते हैं बैट स्किप, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ओके तो फाइनली गाइस जो है 76 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो इन दो प्लेयर प्ले करते हैं उनमें से एक प्लेयर जो 40 पॉइंट से लॉस होता है और दूसरा डैट एलिमेंट हो चुका है जो कि सेकेंड लेफ्ट प्लेयर था। भाई साहब गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ हो। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस बार गाइस हमारे पास प्योर सिक्वेंस है जिसमें जॉकर रेंज हो चुका है। हम सोच रहे थे जो है ये बंदा ड्रॉ कर दे और हम क्लब 10 पिक कर सकते हैं, और ऐसा होता है गाइस ये बंदा ड्रॉ कर देता है। सो हम इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है और जॉकर भी लीज हो चुका है। सो हम निकाल देते हैं हर्ट में जे, क्योंकि हमारे पास डबल भी है तो इसको कब तक ही होल्ड करेंगे। ओके वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जे पिक होने के, लेकिन हमको तो निकालना ही पड़ेगा ना। चलो बढ़िया, वैसे बंदे ने पिक नहीं किया। अगर बंदा वैसे जे के अकॉर्डिंग जे निकालेगा तो हम जो है सेट रैंक कर लेंगे और फ्यूचर में हर किंग भी डिस्कार्ड कर देंगे ना। सो दिमाग तो हमने लगाया है, सो देखते हैं ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। ओके गाइस ये बंदे ने जे के अकॉर्डिंग डायमंड किंग निकाला है, और इस बार तो 76 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया। वैसे हमारे पास 8 आ गए तो हम जो है सेट रैंक कर लेंगे, लेकिन बंदे ने 6 निकाला, पिक कर लेते हैं। एंड
इस स्पार्किंग भी निकाल देते हैं क्योंकि हमने जे निकाला था, बंदे ने पिक नहीं किया तो आई थिंक किंग भी पिक नहीं करेगा। और ऐसा होता है गाइज, ये बंदा पिक नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ गाइज बंदा जो है जे निकाल दे कैसे भी करके, कोई ना कोई गलती करे जिससे कि हम जो है सेट नहीं कर पाएँ। और उसके बाद हमको जो है डिक्लेयर करने के लिए आई थिंक ओनली सिंगल कार्ड चाहिए होगा। हर्ड कमी निकाला, कोई नहीं, करोड़े से कार्ड पिक करते हैं, हर्ड जे भी डिस्कार्ड कर देते हैं अब। कोई नहीं, हमारी सीक्वेंस से बंदे ने ब्रेक करवा दिया तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे हमारी अगर गई सीक्वेंस अरेंज हो सकती थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जब हमने किंग निकाला था और बंदे ने देखो तब हर्ट क्वीन डिस्कार्ड किया। वैसे हमारी भी थोड़ी सी गलती थी, अगर हम जो है स्मॉल कार्ड निकालते तो हमारी थोड़ा सा बैंटिंग हिट होता। लेकिन हम ये सोचे थे अगर हमने जो है पॉइंट डाउन करिए तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी बंदे होते हैं ना ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर कर देते हैं, और हमारे साथ कुछ गलत सीन हो जाता अगर बंदे डिक्लेयर करते तो। गाइस हमारी एक और सीक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो मैं 4 डिस्कार्ड करूँ या फिर 6, चलो 6 ही निकाल देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है डिक्लेयर तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास देख सकते हो 3 कार्ड इनवैलिड है, मतलब हमको 2 भी निकालना ही पड़ेगा या फिर 4। और बंदे पिक करेंगे कार्ड जरूर 101% इन दोनों में से। देखते हैं गाइस डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर डायमंड 4 निकला पाओ गाइस। हमारी सीक्वेंस भी रेंज हो चुकी है। मैं स्पेस 4 निकालूँ या फिर 2 को निकाल दूँ। 2 को निकाल देते हैं। नहीं, वैसे 2 निकाल देंगे तो हमारे रहेंगे 6 पॉइंट और फिर भी हमारे हो जाएंगे 59 पॉइंट। चलो 2 डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड गाइस देखो ये बंदा 2 को ही पिक कर लेता है, मुझे ऐसा लग रहा था ये बंदा पिक करेगा करेगा। लेकिन हमने ये सोचा था अगर हमारे पास 4 के अकॉर्डिंग या फिर 2 के अकॉर्डिंग कोई कार्ड आता है तो हम जो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन देखो फाइनली डीलर ने डिक्लेयर कर ही दिया। कोई नहीं, हमारे 6 पॉइंट लग के हो चुके हैं 59 पॉइंट और हमारे पास 2 टाइम है ड्रॉ करने का ऑप्शन, लेकिन ओपनर प्लेयर के पास ओनली 1 टाइम ड्रॉ करने का ऑप्शन। लेकिन ये क्या नाम, दोनों में से एक प्लेयर जो एलिमिनेट हो चुका है सीरियसली। चलो बढ़िया। अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं इस बार, तो गाइस हमारे पास सिंगल जॉकर है। अगर प्योर सिक्वेंस रेंज होता ओपन ऐसे तो रिस्क ले सकते थे, हम ड्रॉप कर देते हैं। एंड देखते हैं 63 पॉइंट वाला बंदा प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। ओके गाइस ये बंदा ड्रॉप कर देता है और 80 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है। अब देखते हैं डीलर प्ले करता है या फिर नहीं, अगर ड्रॉप करेगा तो ये बट इजी स्किप हो जाएगी, लेकिन ये तो बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लेता है। कोई नहीं, हम करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके फाइनली गाइस जो है डीलर डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो फ्रंट प्लेयर होता है ना ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इस बंदे के 31 पॉइंट लग चुके हैं और ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। एंड गाइस ये दोनों बंदे हमें स्प्लिट पैक क्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था सो हम एक और चांस ले लेते हैं, क्योंकि पता हमारे पास अच्छे कार्ड आ जाएँ। इस वजह से मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था अभी भी ड्रॉ करने का। ओके अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास गलत सीन हो चुका है। ओनली प्योर सिक्वेंस दी है रमी कल्चर वालों ने और एक जॉकर भी नहीं दिया भाई साहब, क्या ही बोलें। अगर स्प्लिट पैक कर लेते तो अच्छा ही होता। ड्रॉ भी करेंगे ओवरऑल हम। ओके अब देखते हैं 80 पॉइंट बंदा प्ले करेगा या फिर नहीं। ओके गाइस ये बंदा तो प्ले ही कर रहा है। हम करते हैं ड्रॉप एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके फाइनली गाइस जो है 83 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो 80 पॉइंट बंदा होता है ना ये बंदा ओनली 20 पॉइंट से लॉस होता है। एंड गाइस ये बंदे दोनों हमें अगेन स्प्लिट पैक कैश सेंड करते हैं, हम इस बार एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लॉस नहीं होना चाहते। थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो तो एक्सेप्ट कर लो। अगर आपका गेम प्ले अच्छा